हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बात करूंगी, छोटा यूट्यूबर हो चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर हो, मेहनत देखिए सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा यूट्यूबर एक दिन में ही बन गया, वो भी मेहनत करके उस मुकाम तक तभी पहुंचा है जब उसने मेहनत करी है। और जो छोटा यूट्यूबर है वो भी मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस टाइम पे उन्होंने खोला था उस टाइम से लेके अब इस टाइम तक बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है लोगों के नज़रिए में, लोगों के देखने में, या फिर उन लोगों के व्लॉगिंग भी चेंज हो चुके हैं कि जिस तरीके से वो पहले दिखाते थे इस तरीके से ना करके अब वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करके दिखाते हैं जो लोग जुड़े रहते हैं। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, दो तरह का यूट्यूबर होता है। बहुत सारे यूट्यूब पर यूट्यूबर बन चुकी हैं लेडीज़, ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठी है, सब मेहनत कर रही हैं, सब अपने तरीके से मेहनत कर रही हैं, सब कुछ ना कुछ मतलब दिखाती हैं कि भाई हर तरीके से कि मेरी ये मेहनत है, मेरी ये मेहनत है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगी दो तरह के यूट्यूबर होते हैं। एक पहला जो यूट्यूबर होता है वो इस तरीके का होता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके काम में करती है सपोर्ट, चाहे वो घर के कोई भी मेम्बर हो वो पूरा सपोर्ट करते हैं, कैमरे के आगे आराम से आ जाते हैं, कैमरे के आगे आके इंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो वो व्लॉग तो आप जान सकते हैं बहुत अच्छा बनेगा ही बनेगा, जब पूरा घर के जो मेंबर हैं वो आ गए हैं कैमरे में और अच्छे से इंटरटेनमेंट करें। कोई हंसी मजाक है उसमें भी ले लीजिए, या फिर डांस है, कुछ भी है, मतलब हर चीज़ में, या फिर घर का कोई काम ही है। अगर एक लेडीज़ घर का काम कर रही है तो वो अकेले दिखाएगी मान लीजिए, और घर के ही मेंबर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ, दूसरा जो यूट्यूबर है वो भी मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अकेले कर रहा है जो भी कर रहा है, और जो घर का भी काम है वो भी करना है, बच्चे को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, बाहर जो जाना है वो भी अकेले ही काम करना है। अब ये बताइए, जो फैमिली के साथ काम कर रहा है या पूरी जो उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए वो यूट्यूबर बाहर भी जा रहा है कुछ शॉपिंग करने, तो उसके साथ कोई ना कोई जा रहा है, उसकी भी वीडियो बन रही है कुछ जो भी वो ख़रीदारी कर रहे हैं, और तो देखिए वो भी अपनी वीडियो में दिखाया था, जाहिर सी बात है वो एक तरह से अच्छा व्लॉग बनेगा। और जो दूसरा बंदा है वो अकेला है, कोई भी नहीं है साथ जाने के लिए, तो वो कैमरा पकड़ेगा या वीडियो बनाएगा या सामान खरीदेगा या सामान पकड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो उस चीज़ को नहीं दिखा पाएगा, वो अपने घर घर का ही कुछ दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक को इंटरटेनमेंट करने की। तो जो यूट्यूबर जिसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, देखिए उसका पूरा हाथ होता है आगे बढ़ने में, और वो बंदा जल्दी से ग्रो कर लेता है आराम से, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है और देखने लगती है कि भाई दोबारा ये क्या लेके आएंगे, दोबारा इनकी फैमिली क्या दिखाएगी, अच्छा लगता है, इंतज़ार रहता है। अब जो अकेला बंदा काम कर रहा है यार, वो क्या क्या काम दिखा देगा। आप, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, अब त्यौहार आ रहे हैं, मान लीजिए त्यौहार में कोई आप घर की सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस चीज़ की वीडियो बनेगी तो कितना अच्छा लगता है, यार मेरे घर का एक मेम्बर ये काम कर रहा है, मेरे घर का एक मेम्बर ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। और मान लीजिए एक ही बंदा काम कर रहा है, वो कहाँ कहाँ तो कैमरा दिखाएगा, क्या क्या दिखाएगा, अकेले ही वो सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहा है, तो वो वीडियो को कम पसंद करेंगे। सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि फैमिली का सपोर्ट जहाँ होता है वहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से होके चलती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। मैं अगर अपना बिजनेस भी कर रही हूँ आज, या फिर मैं कोई शॉप कर रही हूँ, या मैं कहीं जॉब पर जा रही हूँ, अगर हमारी फैमिली हमें अच्छे से सपोर्ट कर रही है तो हम उस काम में बेस्ट देते चले जाते हैं, क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं होती है। दूसरी बात, जहाँ पे बंदा अकेले काम करता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब उसको हर चीज़ सोच के चलनी पड़ती है कि यार ये चीज़ मैं अकेले कैसे करूँ, यहाँ पे ये अकेले कैसे करूँ, तो थोड़ा सा जो है वो अपने काम में मतलब बढ़ता तो है आगे, लेकिन जो एक होता है ना मन से बिल्कुल दिल से मतलब बहुत जल्दी जल्दी आगे करना, वो बहुत धीरे धीरे वो कर पाता है बेचारा। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सब लोग बोलते हैं कि बहुत से लोगों ने पहले वीडियो बनाई, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि दूसरे की वीडियो पे जाके अयान मोम की तरह वीडियो बनाइए, आप उनकी तरह व्लॉग्स नहीं बनाती हैं। तो बहुत सी लेडीज़ ने, कम से कम भी साल साल भर हो गया है, बहुत सारे लेडीज़ों ने मतलब वीडियो बना रखी है, भाई हम उनकी तरह क्यों बनाएं, हमें नहीं बनना उसके जैसा, हमें नहीं करना ये नहीं करना। तो आज मैं दो चार लोगों के थंबनेल लगा दूंगी अपनी वीडियो पे, सबके तो नहीं आ पाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो देखी है, किसी ने डाला था कि भाई इनकी सच्चाई मैं बताती हूँ ये वो करके, तो उन्होंने मतलब सिर्फ सिंपल सा एक वो चीज़ बताई थी कि भाई एक इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड थी और मैंने बाद में चैनल खोला था, इन्होंने मुझसे पहले खोल लिया, इनका ग्रो कर गया, तो अब ये मुझसे बात भी नहीं करती है, जाहिर सी बात है भाई इनका चैनल ग्रो कर गया है तो अब इनमें घमंड आ गया है।
बस उस लेडीज ने इतनी बात करी थी तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि भाई बंदे होते हैं यार दोस्त भी होते हैं, अगर वो भी कोई बड़ा बन जाए और वो बात ना करे हमें मिले और मतलब, या फिर हम फोन करें या कुछ भी मतलब मैसेज करें वो रिप्लाई ना करे तो हम भी ये चीज़ बोलते हैं यार आज ये बड़ा बन गया है तो हमसे मतलब बोल भी नहीं रहा है। फिर लोगों ने उनको कुछ बोला होगा कमेंट बॉक्स में, फिर उन्होंने दोबारा से वीडियो बनाई कि मैं उसकी कॉपी क्यों करूँगी, मुझे उनके जैसा कोई बनने का कोई शौक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग पहले कहते हैं कि उनकी तरह व्लॉग बनाइए, थोड़ा बहुत बंदा कोशिश करने भी लगता है तो फिर वो बोलते हैं आप उनकी नकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस यही चीज़ें बोलने की थी, देखिए छोटा हो या कोई बड़ा हो मेहनत सब करते हैं, सिर्फ बात यहाँ पे आ जाती है कोई कोई जल्दी ग्रो कर लेता है कोई कोई धीरे धीरे ग्रो करता है, अगर फैमिली पूरा अच्छे से सपोर्ट करती है तो वो फैमिली जल्दी मतलब वो बंदा जल्दी ग्रो कर लेता है। अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जो लोग अपनों को ही सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए तो सिर्फ ये चीज़ बोलनी होती है कि ये मेरी बहन है या मेरी भाभी है या मेरी ननंद है या मेरा भाई है, आप इनको सपोर्ट कीजिए, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, तो तुरंत वहाँ पे सब्सक्राइब हो जाते हैं। अब उस बंदे ने तो कोई मेहनत नहीं करी लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं लोग, तुरंत सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लोगों को साल साल भर लग जाता है चैनल मोनिटाइज करवाने में, उससे ऊपर भी लग जाता है, लेकिन इतना सा बोलने में उस बंदे के रातों रात मतलब मोनिटाइज हो जाता है चैनल, तो फिर आप ये बताइए। तो उस बंदे ने तो कुछ भी मेहनत नहीं करी लेकिन वो बंदा उसकी जान पहचान का है या रिलेशनशिप में है तो वो तुरंत उसका चैनल ग्रो कर गया। तो सिर्फ एक सिंपल सी मैं यहाँ पे बात बोलूँगी कि जिस लेडीज ने उनको किसी ने ये बोला था जिसने एक साल पहले बनाई थी कि भाई आप एयन मॉम की तरह बनाइए, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई मैं उनकी तरह क्यों बनाऊँ, वो अलग रहती है मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं तो फिर भी उनकी तरह बना दूंगी क्योंकि वो क्या दिखा रही हैं, झाड़ू पोछा दिखा रही हैं, बर्तन दिखा रही हैं और रेसिपी दिखा रही हैं, ठीक है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अपने हस्बैंड के साथ, तो ये चीज़ें मतलब मैं तो कर लूँगी लेकिन वो मेरी तरह नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अगर वो करके दिखा दे तो मैं भी मान जाऊँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रह के व्लॉग्स बनाना घर का काम भी करना अपने बच्चों को देखना फैमिली को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सारी चीज़ें वो चीज़ नहीं हो सकती कि भाई जो वो अकेले में एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं तो वो परिवार में रह के वो चीज़ें नहीं हो सकती, जो भी हंसी मजाक हस्बैंड वाइफ का होता है कि वो फैमिली में जो व्लॉग्स दिखा रहे हैं वो उसमें बैठ के आराम से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ें अपनी वीडियो में बोला था, उनको बहुत गुस्सा भी आया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता है। तो मैं भी उनके व्लॉग्स देखती थी, आज तक मैंने उनके व्लॉगिंग के लिए कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मेहनत वो भी करती हैं, लेकिन बात मैंने सिर्फ इतनी सी बोली है कि जब पूरी फैमिली अच्छे से सपोर्ट करती है तो बंदा बहुत अच्छे से मन से सारी चीज़ें करने लगता है और धीरे धीरे जल्दी जल्दी ग्रो करने लग जाता है। कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं बन सकता है, वो अपने में रेसिपी ज़्यादा दिखाती हैं, मैं अपने में वेस्ट मटेरियल की चीज़ें ज़्यादा दिखाती हूँ, वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ें बनती हैं तो जाहिर सी बात है आज तक वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई ये बोलेगा तो वो दिखाना शुरू कर देंगी इस चीज़ को, ऐसा नहीं है, सब अपने तरीके से जैसा उनको सही लगता है उस तरीके से व्लॉग बनाते हैं। मैंने उनके लिए सिर्फ दो पॉइंट रखे थे, बर्थडे वाला और एक ये वाला, बाकी मैंने तो कभी किसी की चीज़ में मैंने कुछ बोला ही नहीं है। जो चीज़ मुझे गलत लगी, मान लीजिए जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उसे कोई गलत मैसेज जा रहा है तो उस पर कोई वीडियो बना दे तो जाहिर सी बात है मैं उसको ये थोड़ी बोलूँगी यार क्यों बनाई, मुझे तो बल्कि ये लगेगा अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती करी है तो आगे से मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। लोगों ने तो उनकी यहाँ यहाँ तक पे वीडियो बना दी है कि भाई लड़का आई है अपने घर नहीं जा रही है, बहुत घमंडी है, ईगो भरी पड़ी है, ये है वो है, उस चीज़ पे तो मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो खुद इस चीज़ को एग्री किया था कि भाई अगर वो रह रही हैं तो कोई बात नहीं, बहुत दूर रहती हैं, अगर वो कुछ दिन अपनी मदर के पास रह भी रही हैं तो कोई बात नहीं, मतलब इंसान रहता है जब इतने दिनों में आता है तो वो रहता है। तो सिर्फ मेरे दो ही पॉइंट थे और ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा वो करूँ। और जब मैंने कल उनको बोला था इस चीज़ के लिए कि भाई मेहनत, तो मेहनत देखिए मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि दोनों लोग करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा। अभी अभी जिन्होंने अभी नया चैनल शुरू करा है देखिए वो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे उनके 10 व्यूज़ आ रहे हैं चाहे 20 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए कैमरा सेट करना, इधर से काम पूरा दिखाना, ये दिखाना, फिर एडिटिंग करना, तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन बस बात यहाँ पे आ जाती है किस्मत की, फैमिली की और ग्रो करने की। तो उसको जो आज बोलना था मेहनत के ऊपर वो मैंने बोल दिया है। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा।